बरेली समेत पूरे उत्तर प्रदेश तथा देशभर में बढ़ती जघन्य सांप्रदायिक हिंसा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति सत्ता पक्ष के पक्षपातपूर्ण रवैये में कार्यवाही के संबंध में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर स्थित दरगाह आला हजरत दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का मरकज केंद्र है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC दरगाह आला हजरत से जुड़ा सामाजिक संगठन है, जो लगभग 20 सालों से सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को प्रयासरत है। इस ज्ञापन के माध्यम से रजा एक्शन कमेटी आपका ध्यान उन विचलित कर देने वाले समाचारों की ओर आकर्षित कर देश विदेश के अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया इन दिनों भारत में जघन्य सांप्रदायिक हिंसा के समाचारों से भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर हरियाणा और मणिपुर तक अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से हिंसक अभियान चलाए जा रहे हैं तथा सत्ताधारी राजनीतिक दल हिंसक भीड़ को बचाने में जुटा हुआ है। यहां तक कि पुलिस प्रशासन तक को कानून व्यवस्था संभालने की छूट नहीं दी जा रही है, जिससे पुलिस समेत सभी सुरक्षा बलों का मनोबल टूटा हुआ है तथा जनता के सामने उनका इकबाल मिट्टी में मिल रहा है। हम उत्तर प्रदेश के बरेली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी जघन्य घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि आप त्वरित उचित कदम उठाकर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके तथा दुनिया भर में अपने महान देश की छवि को धूमिल होने से बचा सके। जी, मेरा नाम इमरान लता प्रकाश है। आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, संबंध में आज हजूर अदनान के साथ मिला, जो ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, जो हिंदुस्तान के हालात में एक दूर हाल ही में चाहे नवादा बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, उसको बचा, जिससे जो है अशांति फैली। कुछ लोगों ने उसमें जा करके बयान दिए अपने अपने सत्ताधारी पक्ष के लोग, जो कसम खाते हैं जब वो लेते हैं शपथ लेते हैं तो कसम खाते हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम न्याय से काम करेंगे, हम सबसे समित काम करेंगे और एकता को बनाए रखेंगे। उन्हीं लोगों ने जाकर कसम खाने वालों ने जाकर के वहाँ उनके बयान दिए हैं कि आप सही हो गलत है, क्योंकि गलत उनके सामने नहीं दिख रहा है कि सामने तो मंचा लहराया जा रहा है, पुलिस मौजूद है, कप्तान साहब मौजूद हैं, जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में तमंचे लहराए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि नहीं ये लोग ठीक हैं। फिर कप्तान साहब ने यह भी कह दिया कि ये रूट आपका लिखा हुआ नहीं है, ना ही थाने में दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है आपके, उसके बावजूद भी कहते नहीं इधरी से ही निकलेगा कावड़ निकलेगी। हम जो है तंजीम की तरफ से हमने ये महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है संबोधित जो है मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, महामहिम के पास भेजा है और ये उम्मीद जताई है, जो ट्रेनों में अभी हादसा हो गया, 3 मुसलमानों को और एक हमारे गैर मुस्लिम को जो है गोली से मोड़ा दिया गया, उसके बाद एक मस्जिद में जाकर नू में वो जो है मस्जिद में इमाम साहब को कत्ल कर दिया गया और मस्जिद में आग लगा दी गई, सब तहस नहस कर दिया। बहुत सी ऐसी वारदातें इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो भाईचारे को ख़त्म कर रही हैं। हमने उम्मीद की है जो है हमने उम्मीद की है महामहिम जी से कि ये जो वारदातें हो रही हैं इसको ख़त्म किया जाएगा और हमारी तंजीम जो काम करती आई है, लोगों की मदद करती आई है, वो मदद करती रहे। अच्छा, जैसे कि इस हादसे के बाद जोगी नवादा के जो लोग हैं क्षेत्र के, वो लोग अपने मकानों को बेचने को तैयार हैं, ये पोस्टर लग रहे हैं, ये क्या मामला है? ये पोस्टर लग रहा है, तकलीफ है, बेवजह कार्रवाई है, ये बेवजह कार्रवाई है। जो न्याय से काम करे, जिसके वालिद ने उसे अच्छा जो है सलीका दिया हो, पढ़ाया हो, जिस जो IAS बन के आए, PCS बन के आए, IPS बन के आए, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम करने के बाद उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद जो है किस पर विश्वास करे अब हम? उसका मानना यह है कि हम इलाका ही छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे किसी दूसरे इलाके में बस जाएंगे, अगर यहाँ जो है मोहब्बत नहीं है, इंसाफ नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? उनका ये कहना है और हक बात भी है। ये माना जाए कि मुस्लिम अल्पसंख्यक इस समाज के अंदर, इस सरकार के अंदर डरा हुआ है। कोई डरा हुआ नहीं, क्या डर है? इंसाफ नहीं है, डर हुआ तो कोई भी नहीं भाई जान, इंसाफ नहीं है, इंसाफ करो ना आप। जो कस्में खाते हैं जो है विधायक बनने के बाद और सांसद बनने के बाद, महापौर बनने के बाद में कस्में खाते हैं जो लोग, वो जो है अन्याय कर रहे हैं, वहां जाकर बयान दे रहे हैं अपना, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं यहीं से निकलेगा। जब कप्तान ने कह दिया और जिलाधिकारी ने कह दिया ये रूट रिहत में नहीं है, तब आप क्यों बयान दे रहे हैं जाकर वहां? क्योंकि आपसे उम्मीद है आवाम को, आपको आवाम ने वोट दिया है, आपको आवाम ने विधायक और मंत्री बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि आप ना इंसाफी वाली बातें करें, आप जो है अच्छी बात करें, लोगों को समझाएं वहां जाकर। क्या प्रशासन की तरफ से आप ये मानते हैं एक पक्ष कार्रवाई हुई है, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक के ऊपर भी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, क्या दूसरे समुदाय को भी उसी तरह से मुकदमे में पंजीकृत नहीं करा गया है? हमें इससे ताल्लुक नहीं है, हमें ताल्लुक उससे कि इंसाफ क्या है,
गोली किसने चलाई, कहना किसने नहीं माना, वहां मुसलमानों को हटाया गया, वो हट गया अपनी गली में चले गए, बात बराबर, वो चले गए अपनी गली में, लेकिन दूसरी जानब जाते हैं तो कप्तान साहब को धक्का दे दिया जाता है, गोली चला दी जाती है सामने, ये कौन सी बात है, ये न्याय अन्याय तो है ही है, और एक तरफा कार्रवाई है, जो मान गए उनके खिलाफ कार्रवाई है, जो नहीं माने उनको जो है छोड़ दिया गया। अच्छा, जिस तरीके से आने वाले सोमवार को कांवड़ यात्रा उसी क्षेत्र से निकलेगी जहां अजोगी नवादा का काफी समय से विवाद पड़ा हुआ है, क्या मुस्लिम समाज के लोगों का क्या हित है? हम तो ये देखेंगे कि इंसाफ क्या है, हम इंसाफ पसंद है, अमन पसंद है, हम ये देखेंगे जो नए अधिकारी आए ये क्या इंसाफ करते हैं, जो लिखत नहीं है। कुछ समय पहले जब कांवड़ शुरू नहीं हुई थी, सावन से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद बयान था कि आप कोई नया रूट इख्तियार नहीं करेंगे, नया जुलूस नहीं निकालेंगे, नया रास्ते से नहीं जाएंगे, जो रास्ते तय हैं उन्हीं से आप निकलेंगे। फिर ये तो मुख्यमंत्री जी के कहने को टाल रहे हैं ये लोग।